22 अगस्त को पूरे एससी एसटी मन सजे चले हैं से भारत बंद के ऐलान चले हैं और भारत बंद के पूरे भारत में अगर से असर देखा रहा है। अखन हमारे उपस्थिति मधुबनी थाना मोड़ समीप है जता एक मसद चाहे वो राजनीतिक दल रहते या गैर राजनीति दल रहते एससी एसटी कास्ट पूरे जैसे से एक मन से ऐलान कर चुका छथिन एक आवाज हम साथ है यानी एससी एसटी आरक्षण के जे एससी यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला लेल गेले और फैसला के विरुद्ध ई सब क्रिमिनल पर जे छै से ई सब अगेंस्ट में ठार छथिन और ई सब अपन मांग ल क ठार छथिन जैसे के इनके सब से जानी जा कि ई सब ओ जे एससी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जे फैसला भेलै किया ई सब विरोध कर रहल छथिन और क्रिमिनल जे जे छै ओकरा किया नहीं सब मान रहल छथिन आखिर इनका सब के मांग की छै। हम लोगों का मांग है जो वो सुप्रीम कोर्ट जो खुद अपने बेटा को जिसका 3 पीढ़ी तक लगातार जज होता है अपने अंदर में कॉलेजियम सिस्टम लागू किया है कि जज का बेटा जज बनेगा लेकिन दलित का अगर कोई टीचर हो गया तो अब उसका बेटा टीचर या डॉक्टर नहीं बनेगा। तो सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये निर्णय दिया है कि दलित आरक्षण के बीच में क्रीमी लेयर लागू किया जाएगा, दूसरा उन्होंने कहा है कि डिवाइडेशन दलितों के बीच की एकता को तोड़ने की जो साजिश किया गया है उससे हम लोग आज मांग कर रहे हैं भारत बंद करके माध्यम से उनको चेतावनी देने आए हैं कि आप पहले कॉलेजियम सिस्टम को बंद कीजिए जो सुप्रीम कोर्ट में आज़ादी के बाद से आज तक 30-40 परिवार 100 परिवार के लोग ही जज बन रहे हैं उसका खात्मा किया जाए और तब आप आरक्षण पर बात कीजिए। ये हमारा संपूर्ण मानना है कि देश के विभिन्न राज्यों में और भारत सरकार की नियुक्तियों में आज भी जो दलित और आदिवासी है उनका बैकलॉग चला आ रहा है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिस डिपार्टमेंट के अंदर में हमारा बैकलॉग पड़ा हुआ है। माने जो पूर्व से हमारा सीट है हम उसको भी नहीं भर पा रहे हैं तो फिर क्रीमी लेयर लागू करना हमारे साथ अन्याय है और दलित विभाजन की जो आप चाल चल रहे हैं उसका हम विरोध करते हैं। और आज पूरे देश में दलित महादलित अति पिछड़ा पिछड़ा अल्पसंख्यक परिसंघ जो पूरे देश में बंद का आह्वान किया है हम लोग भी उसके समर्थन में हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बिहार ने भी इस बंद को नैतिक समर्थन दिया है और उस नाते हम लोग भी इस बंद में शामिल होकर ये मांग करने आए हैं कि आप क्रिमिनल लेयर को समाप्त करें। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की जो हुकूमत जो केंद्र में है हम नरेंद्र मोदी से मांग करना चाहते हैं कि यह जो आरक्षण है दलित और महादलित के लिए उसे संविधान के 9वीं अनुसूची में आप शामिल करो। अगर संविधान के 9वीं अनुसूची में ये शामिल होता है तो न्यायालय को हस्तक्षेप करने का अधिकार समाप्त होगा। इन्हीं मांगों के सवाल पर हम आज लड़ाई में हैं, जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी देश भर में यह आंदोलन चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम जे छै से छै ओ त ओने खत्म भेलैया लेकिन क्रिमिनल लेयर क क दलित के वर्गीकरण में जे छै से डिवाइड कर रहल छै लागैया जे आरक्षण खत्म करै के जे छै कगार पर छै। ई त स्पष्ट होला अहीं जे बजलियै अहीं से स्पष्ट भ रहल छै जे क्रिम आरक्षण के खत्म करै के रास्ता छै। अहाँ के अहाँ जी मैक लेने छियै अहाँ के बेटा बेटी नहि आउ आ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बेटा वएह जज बनतै। टिकला राजकुमार जी 40 पीढ़ी के लोग ही पूरा देश में राज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में तो आज 40 पीढ़ी तुम्हारा बेटा बेटी करेगा राज लेकिन गरीबों का बेटा दलितों का बेटा ओबीसी का बेटा उसको आप चपरासी का भी नौकरी जितना कोटा मिलना चाहिए आज तक आपने नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट को वहाँ नज़र नहीं है जो आज हम लोगों को 73 वर्ष होने जा रहा आज़ादी का जो आरक्षण हम लोग को जो कोटा हमको मिला है आज तक 25% भी पूरा नहीं हुआ है। वो बैकलॉग पर दूसरे लोग जा रहे हैं लेकिन दलित को ओबीसी को नहीं भरा जा रहा है। इसलिए जब तक तुम पहले वहाँ तो भरो आज सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था आदेश देना सरकार को मोदी सरकार को तो ये दलितों का ओबीसी का जो कोटा है पहले पूरा करो तुम उसके बाद भी करवा रहा है पीछे डोर से मोदी सरकार उसका आरक्षण को बंद करने के लिए खत्म करने के लिए संविधान को मन समाप्त करने के लिए ये क्या हो रहा है। अभी आप देखे होंगे सीधी भर्ती होगा कहाँ डायरेक्टर में सचिव में सेक्रेटरी में पदाधिकारी में आईएएस बना करके किसको जो बड़े बड़े जो मैंने टाटा बिरला डालमिया ग्वेनका का मैनेजर है जो चपरासी का काम करता है उसको बना देगा आईएएस उसको कहेगा मैनेजर बन जाएगा वो यूपीएससी का मैं चेयरमैन बनेगा।
यूपीएससी ऑफिस में वो डायरेक्टर बनेगा, बिहार मन देश को चलाएगा वही सेक्रेटरी, ये क्या हो रहा है? इसका मतलब आप तो गरीबों का हक पर, दलितों का हक पर, ओबीसी का हक पर आप डाका डालने काम करने जा रहे हैं। इसलिए लोग देखिए, आज भूखा है आप खिला देंगे तो उतना हो सकता है दो किलो चावल पर वो मने मान जाएंगे, लेकिन मान और सम्मान के साथ समझौता नहीं करेगा। जब मान पर सम्मान पर आप चोट मारेंगे तो यहाँ से चिंगारी निकलेगा क्रांति का, वही आप देख रहे हैं सारे चिंगारी सभा की क्रांति शुरू हो गया है देश में। सरकार के द्वारा जो कहा जाए 3 लाख से 8 लाख जगह सालाना आरक्षण नहीं भेटवाक है, गलत है। क्रीमी लेयर नहीं है तब तो हमारे सीट खाली छे, बैकलॉग छे, हमर रिक्ति नहीं पूरा भ रहल छे, माने हमरा लेल जते रिजर्वेशन छे तते हमर कैंडिडेट नहीं पूर रहल छे। जब अहाँ क्रीमी लेयर लगोबे तो और हमर खाली रहते, आ नियम बनौना छे जे 3 साल तक अगर ई बैकलॉग नहीं भर ले तो वही पर जनरल जाके भर्ती भ जेते, तो एक साजिश छे जे गरीब गुरबा दलित अति पिछड़ा के बेटा नौकरी में नहीं जाए, तै द्वारा हम सब विरोध कर रहे हैं। आगा आ सब के की प्लान छे? अगर मान लिया सुप्रीम कोर्ट नहीं सुने छे तो ऊपर में जे कमिटी छे फिर बैठते, आंदोलन के रूपरेखा तय करते, आह्वान करते, फिर हम सब लड़ाई में। देखो ये सब अपन हक के जैसे से लड़ाई लड़ रहा छे, जिनका से कहना छे जे आरक्षण कतो ने कतो केंद्र सरकार जे छे अखन ओकरा द्वारा खत्म करे के जे छे साजिश छे, और इहे साजिश के सब शिकार भ रहल छे। जिनका सके जे छे मांग छे जे बैकलॉग जे छे से रिक्तिया छे ओकरा पूरा करी, संगे जे उच्च न्यायालय में जो कॉलेजियम सिस्टम छे, अगर कॉलेजियम सिस्टम छे तो इनका सके जे संविधान में हक छे वो संविधान के हक के नहीं मारे के छे। और अगर देखा गया छे जे केंद्र सरकार कतेक जल्दी निर्णय ले छे, सुप्रीम कोर्ट निर्णय ले छे इनका सके हित में, लेकिन आई पूरे भारत में देखा रहल है जे राजनीति गैर राजनीति जते एससी एसटी जते कास्ट है एक मन से पूरे सहमति भर रहल छे।